हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मानदर वीडियो। तो दोस्तों स्वागत है आपको ये मेरा न्यू वीडियो में। तो यहाँ पर आज मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ऑल नंबर्स कवर रहेगा, एवरी स्पिन आपको 30 रुपीज़ प्रॉफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बेट लगा के भी दिखाता हूँ आपको। 0 में 10 रुपीज़, फर्स्ट डजन में, सेकेंड डजन में आपको रहेगा 120। फर्स्ट डजन 120, सेकेंड डजन 120 और 0 में 10 रुपीज़ है। और यहाँ पर सिंगल स्ट्रीट चार लगाएंगे, चारों थर्ड डजन में रहेगा 30 रुपीज़। और यहाँ पर दूसरा 30 रुपीज़, 10 रुपीज़, 10 रुपीज़। यहाँ पर हमारा टोटल 330 रुपीज़ का बेट है। तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस का बात करते हैं, फर्स्ट डजन सेकेंड डजन हिट होगा तो हमारे को 30 रुपीज़ का प्रॉफिट, 0 हिट होगा तो भी आपको 30 रुपीज़ प्रॉफिट। और ये 30 रुपीज़ का सिंगल स्ट्रीट है, दो ये भी हिट होगा तो आपको 30 रुपीज़ ही प्लस होगा। अगर दो यहाँ पर ये हमारा 10 रुपीज़ का सिंगल स्ट्रीट, इसमें हिट होगा तो आपको 210 रुपीज़ का माइनस होगा दोस्तों, प्लस नहीं। तो अगर लॉस होगा तो रिकवर कैसे करना है वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 7 आने के बाद 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अगर इसमें प्रॉफिट होगा तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। अगर फुल सेफ के साथ खेलना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर नंबर 5 आने के बाद अगेन प्रॉफिट हुआ है। तो आप लोग जब भी खेलने आते हो तो आप लोग कम से कम 5 स्पिन का टारगेट लेके खेलना, ओके। और 5 स्पिन आपको कितना होता है यहाँ पर देख सकते हो, मेरे को 210 रुपीज़ लॉस हुआ। आप लॉस रिकवर कैसे करना है उसके लिए भी बात करेंगे। तो एक बार मेरा लॉस हो चुका है तो अब मेरे को डबल करना पड़ेगा, ओनली एक बार डबल, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फिर से लॉस होने का चांस भी होता है। अगर 27 हिट हुआ है तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है मेरे को 60 रुपीज़ का रिकवर। तो यहाँ पर दो बार थर्ड डजन आ चुका है तो ऑब्वियसली मेरे को फिर से प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन डबल करूँगा मैं। नंबर 22, तो यहाँ पर 120 रुपीज़ का रिकवर हुआ है। तो थोड़ा कुछ लॉस है अभी भी, करेंगे अगेन। 25 आने के बाद फिर से 120 का रिकवर हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो भी लॉस हुआ था पूरा लॉस रिकवर हो चुका है, एंड प्रॉफिट बोले तो हमारा 150 रुपीज़ का हो चुका है। तो लॉस रिकवर होने के बाद फिर से हम लोग उसी बेट को लगाएंगे जो आपका फर्स्ट बेट होता है। और वीडियो में बोलता हूँ तो उतना बोलने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जो नया है उसके लिए ठीक है। लॉस रिकवर होने के बाद आपको रिबेट करके बिल्कुल नहीं खेलना है, नहीं, क्योंकि उसमें रिक्स होता है। तो यहाँ पर 30 रुपीज़ का गेन प्रॉफिट मिला है, तो अनलिमिटेड यहाँ पर 30 रुपीज़ करके प्रॉफिट होगा अगर एक बार लॉस हो गया तो। इसमें आपको रेगुलर, मतलब इसमें कम से कम 2 से 3 बार तक रेगुलर लॉस हो सकता है, वो भी बहुत बुरा एकदम खत्म वाला, तो क्या बोलते हैं, किस्मत होता है ना, कभी कभी लॉक अच्छा काम नहीं करता है, उस टाइम में आपका लॉस हो जाता है 3 बार तक 2 बार तक। तो आप लोग समझ जाना, टीम प्लेट नहीं करना, ठीक है। और फुल सेट के साथ खेलने के लिए आपको मैं बताऊंगा, बोला था, अब मैं बता रहा हूँ, जो भी वीडियो स्किप करके गया होगा उसको समझ में नहीं आएगा, अब मैं बताऊंगा। ओके, रिपीट अगेन। 31 32 33 34 35 36, ये 6 नंबर है जो भी यहाँ पर आ चुका है। 35, ये नंबर का इंतजार करना है, ठीक है। अगर मैं पहली बार आया था तो यहाँ पर मैं इसको बेट स्टार्ट कर दूंगा, यानी कि मैं यहाँ पर 5 स्पिन का टारगेट लेके खेलूंगा, ओके, 5 स्पिन का टारगेट लेके खेलूंगा और प्रॉफिट लूंगा और रेस्ट करूंगा, ऐसे करना है दोस्तों। यहाँ पर मेरे को एक बार तो प्रॉफिट हो चुका है, देखो कितना स्पिन तक प्रॉफिट होगा, कैलकुलेट करना, कैलकुलेट बढ़ाओ, काउंटिंग कर लेना। 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पर फिर से मेरा लॉस हुआ है। तो अब जब दो बार लॉस हो जाता है तो आपको यहाँ पर फिर से मेरे को रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, आपको फिर से डबल करना पड़ेगा, दो बार से ज़्यादा डबल नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर तो मेरा दो बार लॉस हो चुका है, फिर भी मैं यहाँ पर रिकवर करने का ट्राई जरूर करूँगा, बैकअप है, यहाँ पर डबल फिर से एक बार कर देता हूँ।
दो बार डबल यानी कि चार बार मेरा डबल हो चुका है। तो यहाँ पर फाइनली गाइस 480 रुपीस लास्ट मेरा, अगर इसमें हिट होगा तो पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा। तो फाइनली गाइस फर्स्ट डजन आने के बाद मेरे को लॉस रिकवर हो चुका है। इसमें रिस्क बहुत कम होता है दोस्तों, आप लोग जितना हो सके हाई प्रॉफिट कर सकते हो, अमाउंट को जितना हो सके डबल ट्रिपल कर सकते हो, इसमें आपका कोई भी दिक्कत का बात ना होता है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने पूरा का पूरा डबल कर दिया चार बार, फिर भी मेरा रिकवर हो गया। मेरे को पता था कि मेरा प्रॉफिट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर चार बार डबल कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको बेट को कम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर रिबेट हो चुका था, तो मैं इतना नहीं लगाऊंगा। लॉस रिकवर होने के बाद लालच बिल्कुल भी नहीं करना है, फर्स्ट अमाउंट से लगाना है जो अमाउंट आपका होता है पहले 330 रुपीज। ओके, आपको लॉस नंबर को देखना है। लॉस नंबर अगर एक बार हिट होता है तो आपको बेट लगाना है 5 स्पिन, आपको 100% प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट होने के बाद निकल जाना है। अगर बाई चांस 5 स्पिन एक बार लॉस हो गया तो आप लोग दो बार तक डबल कर सकते हो, ओके, यानी कि 4x कर सकते हो, उसके बाद आपको लॉस रिकवर हो जाएगा, प्रॉफिट भी आपका हो जाएगा, खेल सकते हो। तो आप लोग फिर से 330 रुपीज बेट का ही खेलना, उसमें आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट मिल जाएगा। रिपीट अगेन, अगेन प्रॉफिट। यहाँ पर देख सकते हो 6 मिनट के अंदर 600 रुपए का प्रॉफिट। ओके, 30 आने के बाद अगेन मेरे को यहाँ पर 30 रुपीज का ही प्रॉफिट मिला है। नंबर 17 सेकंड डजन, अगेन मेरे को 30 का रिकवर। रिपीट अगेन, ओके, फिर से मेरे को प्रॉफिट हुआ है। तो रिपीट अगेन, यहाँ पर लॉस हुआ, तो ध्यान से देखना, ठीक है। एक बार लॉस हुआ तो यहाँ पर मैं तुरंत दो बार डबल कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर चेक करूंगा। ओके, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, तो आपको समझना है कि आपको प्रॉफिट होने वाला है अब रेगुलर। अगेन प्रॉफिट, नंबर 2 यहाँ पर प्रॉफिट। देखो दोस्तों 720 रुपीज था, 810 रुपीज हो चुका है।